साथियों, 5% डीए महंगाई भत्ता नहीं मिला, सरकार के विरोध में सड़क पर उतरेंगे लाखों कर्मचारी। जिस विषय में छात्र रुकेगा उस विषय का शिक्षक ग्रीष्मकालीन अवकाश में पढ़ाएगा, बड़ी व विशेष खबर। 10 लाख कर्मचारी व 5 लाख पेंशनर्स 5% डीए महंगाई भत्ते को लेकर भारी नाराजगी व आक्रोश। रिटायरमेंट की उम्र 62 से 63 वर्ष करने की तैयारी में सरकार, पुरानी पेंशन बहाल के लिए आज जुटेंगे कर्मचारी। इस प्रकार की पूरी खबर के लिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। साथियों, आप अपनी समस्याओं को, आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में रखना न भूलें। जिस टॉपिक पर अधिक से अधिक कमेंट आते हैं, निश्चित ही अगले वीडियो में उस टॉपिक को जोड़ा जाता है, इसलिए आप अपनी समस्या को लेकर अधिक से अधिक कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, बिना समय गवाए जानकारी को स्टार्ट करते हैं। पहली बड़ी खबर, 5% डीए महंगाई भत्ता नहीं मिला, सरकार के विरोध में सड़क पर उतरे लाखों कर्मचारी। यह विशेष खबर भोपाल से लगी है। गोखल ने कहा, 300 करोड़ कर चुकी है पिछली सरकार हजम। 5% महंगाई भत्ता नहीं मिलने से निराश कर्मचारी गुरुवार को सरकार के विरोध में सड़क पर उतर आए। विंध्याचल भवन के समीप कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान आरोप लगाया गया कि सरकार लगातार कर्मचारियों की उपेक्षा कर रही है। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बैनर तले यह प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान मध्य प्रदेश कर्मचारी आयोग के सदस्य वीरेंद्र गोखल ने कहा है कि पिछली सरकार ने कभी भी डीए के किस्त का भुगतान समय पर नहीं किया है। कर्मचारियों के डीए का एरियर्स 8,614, जबकि पेंशनरों का 300 करोड़ रुपए सरकार अपने राजकोष में हजम कर चुकी है। उन्होंने कहा कि डीए के संबंध में शीघ्र ही मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारियों को जो भी समस्याएं, उन्हें निर्धारित समय सीमा में आयोग की बेंच में सुलझाया जा रहा है। इसके लिए अभी 12 कर्मचारी संघों को सुनवाई के लिए तारीख दी गई है। इसके बाद अन्य संगठनों को भी आयोग में बुलाकर लंबित मांगों का समाधान किया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर, जिस विषय में छात्र रुकेगा उस विषय का शिक्षक ग्रीष्मकालीन अवकाश में पढ़ाएगा, बड़ी व विशेष खबर। बच्चों के बेहतर रिजल्ट के लिए अलग से रोड मैप बनाया जाना चाहिए। शिक्षकों को ही छात्रों के अभिभावक से संवाद कर छात्रों के लिए पढ़ाई को प्राथमिकता में शामिल करने में भूमिका निभानी चाहिए। शिक्षक अब पढ़ाई का ढर्रा बदले, विद्यार्थियों को समय प्रबंधन का महत्व बताते हुए पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षा देकर विद्यार्थियों कोर्स पूरा कर बच्चों का समुचित रूप से मार्गदर्शन करें। इससे निश्चित ही तौर पर 10 साल बाद हो रही 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। यह बात बीआरसी कार्यालय में डीपीसी कलम ठाकुर ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कही। ठाकुर ने वार्षिक परीक्षा प्रबंधन प्रणाली को लेकर शिक्षकों को प्रशिक्षित देकर कई बिंदु बताए। बच्चे से संबंधित प्रत्येक जानकारी को सही सही दर्ज की जाए, ताकि दिनों में बच्चों के एडमिट कार्ड और परीक्षा फल सही सही जारी हो सके। शिक्षक बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति लगाना सुनिश्चित करें। यदि 5वीं और 8वीं में कोई छात्र किसी विषय में फेल होता है, तो ऐसे में उस विषय के शिक्षक को ग्रीष्मकालीन अवकाश में कक्षा लगाकर विद्यार्थियों को तैयारी कराना होगी। तीसरी बड़ी खबर, 10 लाख कर्मचारी व 5 लाख पेंशनर्स 5% डीए महंगाई भत्ते को लेकर भारी नाराजगी व आक्रोश में। सभी का कहना है कि जुलाई 2019 का 5% व जनवरी 2020 का 4% दोनों एक साथ घोषणा करके कर्मचारियों की नाराजगी दूर कर अपने वचन का पालन करे कमलनाथ सरकार। विशेष खबर भोपाल से लगी है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों पेंशनर को जुलाई 2019 से देय 5% DADR सहित 7 माह व्यतीत होने पर भी लंबित रहने से दोनों वर्गों में भारी नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है। मध्य प्रदेश तृतीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैया लक्षकार ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रति 6 माह में दी जाने वाली किस्त में जनवरी 2020 से देय अगली किस्त 4% देने की घोषणा निकट भविष्य में कभी भी हो सकती है। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 17% से बढ़कर 21% हो जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में 12% पर रोक रखा है। मध्य प्रदेश सरकार की योजना कांटी मारकर कहीं यह तो नहीं है कि सार्वजनिक रूप से कहा जाएगा कि केंद्र के 4% जनवरी 2020 वाले किस्त मिलने की प्रतीक्षा में मुकाबले 5% जुलाई 2019 से बकाया किस्त दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की डीएडीआर के मामले में टाल मटोल व रहस्यमय चुप्पी वचन पालन में बाधा के देश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान कमलनाथ जी जुलाई 2019 से लंबित 5% व जनवरी 2020 से 4% दोनों की किस्तों की घोषणा एक साथ कर कर्मचारियों की नाराजगी दूर करते हुए वचन का पालन करें। की बड़ी खबर, रिटायरमेंट की उम्र 62 से 63 वर्ष करने की तैयारी में सरकार। यह विशेष खबर भी भोपाल से लगी है। राज्य सरकार के वे कर्मचारी जो अगले 1 वर्ष की अवधि में सेवानिवृत्ति होने वाले हैं और यदि रिटायरमेंट की मानसिकता में आ गए, तो फिलहाल उनको ठहर जाना चाहिए। राज्य सरकार अगले 1 वर्ष तक तो उनकी सेवानिवृत्ति नहीं करने जा रही है।
राज्य सरकार ने रिटायरमेंट में भारी भरकम खर्च से बचने के लिए सबसे आसान रास्ता निकाला। राज्य सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाकर 63 वर्ष करने की तैयारी में ही इससे प्रदेश के लगभग 15,000 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर विराम लग जाएगा। प्रदेश में एक वर्ष की अवधि में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होना है। यदि कर्मचारियों की मौजूदा 62 वर्ष की आयु के आधार पर ही सेवानिवृत्ति किया गया तो राज्य सरकार को एक वर्ष की अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वत्व के भुगतान पर लगभग 6,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इतना भारी भरकम राशि कर्मचारियों को भुगतान करना फिलहाल राज्य सरकार के बूते से बाहर हो रहा है। ऐसे में इस भारी भरकम बोझ से राहत पाने के लिए कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे कि कम से कम एक वर्ष तक राज्य सरकार को कुछ राहत मिल जाए। पांचवी और आखिरी बड़ी खबर, पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज जुटेंगे कर्मचारी। नीलम पार्क में बुलाया गया सम्मेलन, पुरानी पेंशन बहाली का रहेगा मुख्य मुद्दा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने वचन पत्र में पुरानी पेंशन बहाली को किया था शामिल। यह विशेष और बड़ी खबर भोपाल से लगी है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदेश के कर्मचारी रविवार को मतलब आज राजधानी के नीलम पार्क में जुटेंगे। सम्मेलन भोपाल नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के पदाधिकारियों ने बुलाया है। इसका आरोप है कि पुरानी पेंशन बंद होने से मध्य प्रदेश समेत देश भर के 60 लाख कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। पेंशन नहीं मिलने से परेशानी हो रही है, ये केंद्र व राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन चालू करने की मांग कर रही है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि पुरानी पेंशन विहीन कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है। जो अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उन्हें 1200 से 1800 रुपए पेंशन मिल रही है। इस उम्र में कमाई का दूसरा साधन भी नहीं खोजा जा सकता। जीवन का सबसे ज्यादा समय शासकीय सेवाओं में दे चुका है। सरकारों को मानवता के आधार पर पुरानी पेंशन बहाल करना चाहिए। विजय कुमार का कहना है कि मध्य प्रदेश समेत देश भर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। अभी तक किसी भी सरकार ने सकारात्मक रुख नहीं दिखाया है। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने वचन पत्र में अपनी पुरानी पेंशन बहाली को शामिल किया है। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाले बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।